गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पर मैंने अभी कुकर रख दिया है और इसमें मैंने तेल भी डाल दिया है और आज मैं बना रही हूँ कटहर की सब्ज़ी। तो ये मैं कुकर में ही बना रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर मैं कुकर में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लहसुन और हरी मिर्च प्याज कट करके रख लिया है और एक साथ दूध पर ही पक रहा है। और ये देखिए, तो कटहर भी मैंने कट करके रख ली थी। तो अभी मैंने यहाँ पर जीरे डाल दिए थे, इसके बाद मैं हींग डाल दी हूँ, तेल गरम हो गया था। और ये देखिए, तो अभी मैं डाल देती हूँ लहसुन। तो ये देख सकते हैं आप, तो मैंने लहसुन डाल दिया है और इसके बाद मैंने डाल दिए प्याज। तो प्याज को भी थोड़ा फ्राई कर लूँगी और फ्राई गोल्डन गोल्डन करूँगी। तो ये देखिए फ्राई हो गया है। तो अभी मैं इसमें डाल देती हूँ हरी मिर्च। तो हरी मिर्च को थोड़ा फ्राई करने के बाद अभी मैं डाल देती हूँ इसमें मसाले। ये मिर्च तीखी नहीं है, तो यहाँ पर देखिए मसाले डाल करके मैंने अच्छे से भून लिया है तेल छोड़ने तक। और अभी मैंने ये चॉपर में दो टमाटर को चॉप कर लिया था बारीक, तो इन्हें भी मैंने डाल दिया है। और अभी मैं नमक डाल देती हूँ और इनको मैं इतनी अच्छे से पकाऊंगी तब तक ये तेल ना छोड़ दे, तभी तक इनको अच्छे से पका लेती हूँ। ये देखिए, तो इनको मैं तेल छोड़ने तक अच्छे से धीमी आंच में पका लेती हूँ। तो ये पक गए हैं और ये देखिए तेल छोड़ने लगे हैं। तो अभी मैं इसमें डाल देती हूँ कटहल। तो कटहल मेरा आधा केजी है, ज़्यादा नहीं है। तो इन्हें मैंने कटहल को 2-3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करके पका लिया है। और अभी मैं इसमें डाल दूँगी पानी। तो पानी में पकने के लिए ही, मतलब जितना मुझे चाहिए पकने के लिए उतना ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि ज़्यादा पानी होगा तो फिर कटहल में मुझे ग्रेवी तो करनी नहीं है। तो पकने के हिसाब से ही डालूँगी ताकि कटहल इसमें पानी सोख जाए। तो ये देखिए, मैंने 1 कप जो चाय वाला होता है उतना ही पानी डाला है अपने अपने हिसाब से। और आप लोग भी इतना ही डालिए जितने में कटहल हमारा पक जाए। तो ये देखिए, मैंने ढक्कन बंद करके रख दिया है और ये सिर्फ ना मैं 2 सीटी आने तक पका लूँगी और दूसरी सीटी को मैं निकाल देती हूँ। जैसे 2 सीटी आ जाती हैं उसकी, फिर दूसरी वाली सीटी को मैं निकाल देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी मेरी पक गई है और सब्ज़ी का को सीटी निकालने के बाद मैंने इसे 2 मिनट तक अच्छे से पका लिया था ताकि जो थोड़ा बहुत मतलब पानी रह जाता अगर हल्का फुल्का लगे हमको कि पानी है, तो उसे पका के मैंने अच्छे सुखा लिया है। और ये सब्ज़ी ना हम लोगों ने खा ली थी, इसके बाद मैंने थोड़ा शूट किया था क्योंकि मेरा फ़ोन डिस्चार्ज था। तो अभी है नेक्स्ट डे। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों आप सभी को। और यहाँ पर मैं नहा ली हूँ और कपड़े सुखा लेती हूँ, ये देख सकते हैं आप। और अभी ना 9:30 का टाइम है और मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, तभी मैंने नहाया है। नाश्ता भी मैंने बना दिया था, तो आज नाश्ते में मैंने दलिया बनाया है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। और जो भी मेरे चैनल पे भाई बहन न्यू आए तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और मैं भी सपोर्ट करूंगी आप सभी का, आप भी मेरा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए सुबह से कितनी धूप निकल आती है ना, क्योंकि अभी गर्मियों के मौसम है ना, तो सुबह से बहुत तेज़ी से धूप निकलती है। तो ये देख सकते हैं, मैंने मेरे बच्चों के और मेरे हस्बैंड के थोड़े कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, ऐसा तो होता है ना। तो यहाँ पर अभी मैं नीचे आ गई हूँ और ये देखिए, तो मैं दलिया ना लेती हूँ अपने खाने के लिए क्योंकि सब लोगों ने नाश्ता कर लिया, बच्चों ने, हस्बैंड ने, अम्मा जी ने, और बाकी मैं ही बची हूँ। तो ये देखिए, तो मैं अभी यहाँ पर दलिया ना लिया है कटोरी में, तो इसमें मैं दूध भी डाल लेती हूँ और थोड़ा सा चीनी डालूँगी क्योंकि अगर दूध नहीं होता है तो मैं घी डाल लेती हूँ दूध की जगह और चीनी, क्योंकि मैं खाली दलिया मुझसे नहीं खाया जाता, मैं नहीं खाती हूँ खाली दलिया। तो मुझे घी या चीनी या घी या दूध, दो में से कोई भी चीज़ होनी चाहिए। तो अभी तो दूध है फिलहाल, तो इसी में दूध के साथ में खा लेते हैं, और घी भी है पर मैं दूध में खा लेती हूँ क्योंकि दलिया थोड़ा ठंडा हो गया है और घी में ही अच्छा लगता है दलिया, गरम 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 दलिया हो तो घी में खा लो वरना ठंडा हो तो दूध में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये देखिए दलिया को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप सभी आ जाइए दलिया खाने के लिए। और ये बहुत हेल्दी होता है दलिया, तो नाश्ते में मैंने आज दलिया बना लिया है और कभी कभी मैं दलिया ही बना लेती हूँ। और ये रेड वाले गेहूं का है, सफ़ेद वाले गेहूं का नहीं है क्योंकि रेड वाले गेहूं का मीठा होता है दलिया। तो यहाँ पर आकृति को भी खिलाना है, मैं भी खा रही हूँ और इसे ना मैं जैसे डाल के दे देती हूँ कटोरी में दलिया दूध।
तो ये खाती नहीं है, थोड़ा बहुत खाती है, बाकी छोड़ के रख देती है। तो इस वजह से मैंने कहा मैं खा रही हूँ तो इसे खिला दूँगी साथ में, तो ये खा लेती है। वरना ये सब्जी में भी रोटियाँ नहीं खाती है, आलू होते हैं उसी को रोल बना के, आलू रोटियों में घी लगा के और रोल बना के दे देती हूँ तभी खाती है। तो यहाँ पर मैंने नाश्ता कर लिया था और फिर सब जगह झाड़ू भी लगा दी है, और सुबह से 3-4 बार पूरे दिन में झाड़ू लग जाती है। तो यहाँ पर नाश्ता करने के बाद नाश्ते वाले भी जो बर्तन निकले हैं तो इनको मैं धुल के रख देती हूँ, और ये देखिए। और जैसे जितना बर्तन यूज करो उतने धुलते जाओ ना तो सही रहता है, ज़्यादा बर्तन का ढेर नहीं लगता धुलने में, फिर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। जैसे नाश्ता बनाया तो नाश्ते के बर्तन धुल लो, फिर उसके बाद दोपहर में खाना बनाओ लंच तो फिर दोपहर के बर्तन धुल लो, फिर शाम को बनाओ तो शाम को धुल लो, तो ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं ना। तो ये देखिए मैंने नाश्ते के बर्तन धुल लिए हैं। अभी थोड़ा बच्चों ने खाया था तो वहाँ पर थोड़ा दलिया गिर गया था, तो वहाँ पर जाके पोंछा कर दूँगी और बस। तो यहाँ पर जो जूठन है ये मैंने साफ़ कर दिया है और अभी जाकर पोंछा कर दे रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर खाया था, थोड़ा गिर गया था तो चींटी वगैरह आने का डर रहता है, फिर बच्चे हैं फर्श पर लेट जाते हैं कहीं कुछ, तो इस वजह से तो अभी पोंछा वोछा कर दिया है। और ये देखिए हाथ पैर धुल लेती हूँ बस, सब चीज़ें हो गई, नाश्ता भी हो गया है और बर्तन वर्तन धुल गए हैं नाश्ता के। तो अभी बनेगा मेरा दोपहर का खाना। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, इतना हिलती क्यों है? तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और साथ में अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करना। और यहाँ पर है आकृति, तो आकृति आप नमस्ते करो। तो दोस्तों जो भी मेरे चैनल पे भाई बहन न्यू आए तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने के बाद साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और मैं भी आप सभी का सपोर्ट करूँगी दोस्तों। तो चलिए आज का मेरा वीडियो यहीं तक है और मुझे अभी बनाना है आप दोपहर का खाना। तो चलिए दोपहर में क्या बनाते हैं, तो चलिए फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय।